हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी, आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज जो 2 है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चनों का स्टडी करवाया था कल। अब आप उसी श्रृंखला में उस आगे क्वेश्चन और देखिए जिससे हमारे पास आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट नंबर एडेड टू 2692 मेक इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ऐसा कोई लिस्ट नंबर है वो बताना है जिसे क्या बनते हैं परफेक्ट स्क्वायर। नंबर आ रहे हैं 31, बी में आ रहा है 16, और सी में आ रहा है 17, और डी में आ रहा है 20। देखो इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको एक नॉर्मल सी बात रखनी है कि आपने अभी जो नंबर है स्क्वायर के वो आपने 20 तक के लर्न करके हैं या 30 तक के आपने देखो लर्न करके हैं। तो यहाँ पर देखना है कि जो 269 है वो कौन से स्क्वायर नंबरों के बीच में आता है। इधर तो आपका आता 256 आता है, इधर आपका आता है 289। तो ये तो आता है 16 का स्क्वायर और ये तो 17 का स्क्वायर। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा उसने कि ऐड करना आपको, और ऐड करने पर क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बना। अगर वो लेस करने का बोलता ना तब तो आपको इससे ये बनाना था, अगर ऐड करना तो आपको इससे क्या बनाना है, ये बनाना है। तो अब देखो 269 से अगर आपको 289 बनाना है तो कितने नंबर की देखो आपस में ज़रूरत पड़ेगी, आपको 20 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप 20 ऐड करोगे तब क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन क्या इसमें डी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। इसी तरह देखो इसमें आप देख 16 नंबर देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें आ रहा है द लिस्ट नंबर विच बी एडेड टू, मतलब सेम टू सेम ये लिखा है और इस बार इसने नंबर है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। मान लो यहाँ पर ये मेरे पास 16 में क्या रहा है, मतलब नंबर सारे चेंज है, इसने क्या लिख दिया, इस बार नंबर तो आ रहा है मेरे पास 17420 ही आ रहा है, यानी 17420 आ रहा है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसने ऑप्शन दिए हैं, पहले पार्ट में तो क्या इसमें आ रहा है 3, और बी पार्ट में आ रहा है 5, और सी पार्ट में आ रहा है 9, और डी पार्ट में आ रहा है 4। ये चार नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर जोड़े ताकि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब देखो ये नंबर काफ़ी बड़ा आ गया है क्योंकि 17420 का आपने लर्न नहीं कर रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो डिवीजन मेथड है उसके साथ इसका पता लगाओगे आप, ठीक है ना। 17420 आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। अब इसका क्या निकालना, पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट देखो निकालने का मैंने तरीका बता रखा आपको, ऐसे आपको यानी RHS की साइड से आपको ऐसे 2-2 के पेयर बनाने हैं, यहाँ बचेगा वो आपका सिंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर नंबर भी याद रखने हैं, फिर 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया 81। अब देखो सबसे देखो पहले मेरे पास 1 आ रहा है, देखो 1 के बराबर या 1 से लिस्ट नंबर कौन सा है, बिल्कुल ये 1 ही है भाई, 1 के लिस्ट या इससे कोई क्या 1 ही आएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, इनको ऐड करना 2 हो गया, इनको लेस करना है तो 0 आएगा। अब देखो दोनों डिजिट आपको आगे एक साथ उतारने, आप यानी 74 को आप उतारेंगे एक साथ। अब 2 के आगे आपको एक ऐसा नंबर उतारना है ताकि उससे मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर ऐसे छोटा नंबर आ जाए। जैसे मान लो आपने 2 के आगे 2 लिया तो 2 यानी क्या हो गया 44 हो गया, या मान लो अगर आपने इसमें 3 लिया तो 9 और 69 अभी छोटा आ रहा है, जब आपने इसके आगे क्या लिया 4 लिया तो 16 कैरी 1 और 9, ये तो बड़ा नंबर हो गया ना, तो हमारा ये नंबर चलेगा इसमें। तो आपको लेना पड़ेगा 3 3 और यहाँ 3, यहाँ पर मेरे पास आ गया 69, ठीक है। अब देखो उसके बाद में देखो इन दोनों को ऐड करना, ये तो गया 26, इनको लेस करना तो ये क्या आएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। अब 5 आने के बाद में क्या करना आपको, यहाँ से ये दोनों नंबर उतारने के साथ यानी 20 आ गया आगे सीधा। अब 26 के आगे ऐसा नंबर होता है ताकि या तो इसके इक्वल है या ऐसे कई छोटा नंबर आपको प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने 26 के आगे उतारा, आपने मान लीजिए आपने 4 उतारा 16, देखो 4 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, चलो आपने 2 मान लिया, बार 2 लिया आपने 2, तो 4 12 कैरी 1 और 5
524 हो गया। तो अब देखो आपको लाना क्या है 524, क्योंकि इसके नज़दीक ये नंबर है। अब 524 तो है नहीं आपके पास, कितना है 520 है, तो आपको प्राप्त क्या करना है, ये प्राप्त करना है। तो इसलिए आपको कितना चाहिए, चार और चाहिए आपको। जब चार जोड़ोगे तभी तो आपका 524 आएगा ना, तो यहाँ पर आपका लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब 4 इसमें आप ऐड करके लाओगे तो यहाँ पर क्या देगा 524। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16। जब एक बड़ा नंबर आए तो आपको इस तरह से करना होता है, और छोटा नंबर आए तो आपको क्या करना है, सीधे डायरेक्ट पता लगाना है। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात कर रहे हैं, और देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा हमारे पास, 17 नंबर में आ रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 8, 12 and 15, यानी 8, 12 and 15 इन तीनों से डिविजिबल होने वाला है। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, और वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा वो आपको चुनना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है, इन तीनों का पहले आपको हमें से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम फाइंड करते हो आपको इसमें 2 से डिवाइड किया था 4 टाइम, इसमें 6 टाइम, 11 सेम। 2 से वापस किया 2 टाइम, 3 टाइम और आ रहा है 15। 2 से वापस किया 1, 3 और ये 15। अब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 और ये 5। अब 5 से किया तो क्या आएगा 1, 1 और ये 1। ठीक है, इन तीनों से डिविजिबल और आपको क्या चाहिए, एक स्क्वायर नंबर चाहिए। अब देखो पहले तो आप इन देखो पेयर बनाओ, इसे पेयर कंप्लीट हो रहे हैं आपके, दो आ रहे हैं। अब न तो ये पेयर कंप्लीट है और न ये पेयर कंप्लीट है और ये न ये पेयर कंप्लीट है, तो पहले आपको ये पेयर कंप्लीट करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो एक तो आपको 2 और चाहिए इसमें, इसके लिए एक आपको 3 और चाहिए, एक आपको 5 और चाहिए, यानी तीनों ही आपको चाहिए। अब इन सबको क्या करना, आपको मल्टीपल करना है। तो देखो पहले मेरे पास क्या हो गया 2, देखो इनको चलो एक बार आप अलग कर दो, यानी 6 और 30 हो गया मेरे पास ही, तो ठीक है ना। 30 को किससे करना है, इन सबसे करना है, यानी 4 8, फिर ऐड के हो गए 24 और फिर हो गए कितने 120। अब इसको आप इससे कराओ तो क्या आएगा 36 और ये 0 0, तो लिस्ट नंबर आपका क्या देगा 36 and 0 0, ये आपका क्या आ गया है, लिस्ट नंबर आ गया है, जो इन तीनों से क्या है, डिविजिबल है। अब देखो आगे 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका है उसमें आपको क्या करना है, सॉरी 18 नंबर में, देखो 18 नंबर में आपके पास ये आ रहा है, 18 नंबर में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 343 फर्स्ट में आ रहा है, बी में आ रहा है 2197, सी में आ रहा है 216 और डी में आ रहा है 13 और 31। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो एक इवन नंबर का क्या है, आपको क्यूब दिया गया है, यानी इवन नंबर का क्यूब कौन सा है उसका आपको पता लगाना है। अब देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। तो देखो इवन आपका ही आ रहा है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, बस सी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। और किसका ये आपको बताएं, 6 का क्यूब बताइए। ठीक है, अब देखो आगे 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है किसका, यहाँ लिखा है 27, 125, इसका आपसे क्यूब रूट पूछा गया है। अब देखिए इसका क्यूब रूट आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इसमें आप दोनों का अलग अलग फाइंड कर लेंगे, 27 का अलग क्यूब रूट है और 125 है उसका आप अलग से क्यूब रूट है। तो इसका देगा 3, इसका आ गया 5, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया है, 3/5, ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर में आ रहा है माइनस का 216 into, और यहाँ रहा है 729, और इसकी होल पावर आपको 1/3 वो लेनी है। अब देख लो यहाँ पर देखिए इसको तो आप ले देंगे कितना, फिर दोनों का आप इनका अलग लगा दो, -216 की होल पावर 1/3 और 729 है इसकी भी होल पावर 1/3। अब देखो इसका तो क्या देगा आपका मान है वो माइनस का 6 आ जाएगा, और इसका क्या देगा आपका 729 किसका होता है, 9 का होता है, तो यहाँ देगा 9 और यहाँ का माइनस का 54। तो इससे जो आपको सॉल्यूशन है वो कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 54 आपको प्राप्त हो गया है। अब उसके बाद देखो आप तो 21 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए आप, तो देखो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है देखो इसमें आपके पास आ रहा है माइनस का 343, माइनस का 343 अपॉन में आ रहा है 1, 3 और 3, 1, और इसका आपसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा आपसे, क्यूब रूट कितना आएगा। तो वो तरीका दोनों का अलग अलग फाइंड कर लो, इसका तो अलग से फाइंड कर लो, और जो 1331 है इसका आप अलग से फाइंड कर लो।
तो ऊपर वाले का तो आगे आपका कितना माइनस सेवन आ जाएगा, इसका आ जाएगा इलेवन, तो आंसर आपका क्या माइनस सेवन अपॉन इलेवन, ठीक है ना। उसके बाद देखो हम 22 नंबर क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं, उसमें मेरे पास आ रहा है एक तो है 1728 का क्यूब रूट लेना आपको, फिर माइनस में 729 है इसका क्यूब रूट लेना आपको, उसके बाद में जो 2197 है इसका भी आपको क्यूब रूट है वो लेना है, उसके बाद में 2744 है इसका भी आपको क्यूब रूट लेना है, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको जहाँ तक याद है मैंने देखो आपको कुछ नंबरों के देखो क्यूब थे वो मैंने आपको लर्न करवाए थे, तो उसी श्रृंखला में देखिए 1728 किसका क्यूब होता है 12 का होता है, इसका मंथ क्या देगा टॉपा 12 आ जाएगा, और 729 किसका होता है 9 का क्यूब होता है, यहाँ पर आएगा आपका 9। अब देखो 2197 है वो किसका होता है 13 का होता है, किसका देगा 13, प्लस जो 2744 है वो किसका होता है वो होता है आपका 14 का, तो यहाँ पर देगा 14, ठीक है ना। अब देखो इनको सोल्व कर लो आप, अगर सोल्व करें तो अपना उत्तर आगे प्राप्त कर लो। तो देखो यहाँ ऊपर वाला मान तो आपका आ गया 3, इनको ऐड करोगे तो आपका मानेगा 27, 3 से आप इसको काट सकते हैं 9 टाइम और ये आपका आ जाएगा 1/9। तो इस क्वेश्चन का जो आपने अभी सॉल्यूशन है वो कितना प्राप्त कर लिया है 1/9 प्राप्त कर लिया है, ये हमने अभी सीखा था क्वेश्चन नंबर 22। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास यह आ रहा है कि इसमें आपको फाइंड करना है क्या कि वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लिखना है एक तो रूट में यानी क्यूब रूट आपके पास 0.064, उसके बाद में प्लस क्यूब रूट किसका है 27 का क्यूब रूट है, उसके बाद में 729 है उसका भी क्या है क्यूब रूट है, इस पूरे की आपको क्या फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसका आपको डायरेक्ट पता नहीं होता क्वांटम, तो देखो क्वांटम तरीका क्या होता है 0.064 है, इसमें पॉइंट को हटाने के लिए आप नीचे वन मान लोगे। अब देखो यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं ना, तो इसका आप 3 0 लगा दो, ऐसे हट गया पॉइंट। अब ऊपर तो आ रहा है मेरे पास 64, नीचे आ रहा है कितना 1000, तो इसको आप क्या मान लेंगे 8/10 मान लेंगे इसको, जो वो 8 का क्यूब होता है नीचे वाला किसका होता है 10 का, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास क्या रहेगी, देखो जब 8/10 है ना इसको आप क्या लिख दोगे 0.8 लिख दोगे, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 0.8 प्लस 27 जो होता है वो 3 का, तो इसकी आगे वैल्यू 3 और इसका क्या जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। तो अब देखो इसको सोल्व करना आपको आगे कि इसका आंसर आपका हो कितना आने वाला है, तो यहाँ देखो ये प्लस के नंबर तो हो गए मेरे पास 3.8 और माइनस के कितने हो गए 9 हो गए हैं। अब 9 माइनस के हैं प्लस के 3.8 हैं, तो 9 में से आपको क्या करना है 3.8 है वो आपको लेस करना है। तो देखो यहाँ पर पहले आएगा 2 मेरे पास, यहाँ पर 4 हो गया तो बचा कितना 5, फिर पॉइंट लगा दो आप यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा माइनस में 5.2, जो बड़ा नंबर आपका निगेटिव है ना, तो आंसर भी किस में आएंगे आपके निगेटिव में आएंगे। उसके बाद देखो 24 नंबर और जो 25 नंबर क्वेश्चन है उनके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें लिखा था स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 392 मे बी द डिवाइडेड सो दैट द क्यूसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो आपसे पूछा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप इसको द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 392 बी डिवाइडेड, अब एक ऐसा नंबर आपके पास 392 है, इसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि क्या बन जाए ये एक परफेक्ट यानी क्यूब बन जाए, ये जो क्यूसेंट है इसका, सो दैट द क्यूसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब, तो इससे कैसे नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है ताकि इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है एक परफेक्ट क्यूब आ जाए, और डिवाइड करने के बाद पास ऑप्शन में आ रहा है कितना 50 आ रहा है, बी पार्ट में आ रहा है 51, सी पार्ट में आ रहा है 49 और डी पार्ट में आ रहा है 62। अब देखो इनके देखो हम बारी बारी से जांच कर लेंगे, पहले आपने इसमें 50 का डिवाइड किया तो आपको पता है इसमें हो गया कितने बार 7 टाइम हो गया 350, लेस करते कहेगा 2 और यहाँ पर आया कितना 442 आ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, तो ये ऑप्शन आपका हो गया फॉल्स। अब इसमें आप क्या करेंगे 51 का डिवाइड करेंगे 392 में 51 का डिवाइड, तो इसमें भी 7 टाइम होगा 7 और 35, ठीक है ना, इनको लेस करते क्या बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ हो जाएगा कितना 63, तो ये 35 ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना है 49 का क्यूब डिवाइड करना है एक बार, तो 392 में डिवाइड किया किसका 49 का, तो देखिए जब आप इसमें 49 का डिवाइड करते हैं तो भी आपका इसमें कितना टाइम होगा 3 टाइम होगा,
तो 27 टू और ही होगा 14, सॉरी 7 टाइम, हाँ 7 टाइम जाओ, इसका डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास अभी, 7 9 जा 3, 6 आ रही है, और बाद में 28 और 6 कितने हो गए आपके 34, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनको जब लेस करता आपके पास नंबर आएगा कितना, पहले यहाँ पर आ रहा 9, फिर 5 बचेगा कितना 4, और यानी 49 बच रहा है, ये भी क्या आपका परफेक्ट क्यूब नहीं, क्योंकि स्क्वायर आपको क्यूब चाहिए ना, क्यूब नहीं, ये भी आपका। अब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 392 में आपको 62 का डिवाइड है वो करना पड़ेगा, तो इसका डिवाइड भी देखो एक बार आप 7 टाइम कर लो, तो 14 कैरी बना रही है अभी, और फिर तो इसका देखो ज़्यादा हो रहा है अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कम करना पड़ेगा। तो आपने डिवाइड इसमें कितना टाइम किया, 6 टाइम इसमें डिवाइड किया, तो 12 है कैरी 1, और उसके बाद में 36 और क्या हो गया 37 हो गया। और जब आप इनको देखो लेस करोगे तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बचने वाली है वो कितनी बचेगी, जब आप इनको लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी, तो देखिए सॉरी भी इसमें आपका जो डिवाइड है इसका देखो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डिवाइड इसमें प्रॉपर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली 8 हो जाएगा, यानी 392 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या जाएगा आपका 0। अब 0 क्या होता है, 0 का क्यूब होता है 0, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया है। अब देखो उसके बारे में आप जो 25 प्रश्न है वो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 25 में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर विच 3087 में भी मल्टीप्लीटेड। अब देखो 3087 है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लीट करना है कि सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, परफेक्ट क्यूब आएगा, यानी 6 बी पार्ट में आ रहा है 5, और सी पार्ट में आ रहा है 4, और डी पार्ट में आ रहा है यानी 3, यानी 3087 है, इसको क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको मल्टीपल करते ही क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए आप ऐसा करोगे, पहले इसके जो प्राइम फैक्टर वो कर लेंगे बार आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं है, इसमें 3 का करेंगे पहले आप, तो 3 का हो गया 10, फिर 2 और 9, उसके बाद में आपने लिखा वापस 3 का इसमें हो रहा है अभी, तो 3 से 9 और फिर 4 3। अब वापस इसमें क्या करेंगे आप, 7 का करेंगे 49, 7 का 7 और 7 का 1, ये क्यूब बन रहा है। अब 3 की जरूरत पड़ रही है ना आपको, तो नंबर क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा आपका, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है वो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।